हेलो दोस्तों, स्टडी गिडा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और हम तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी साइको की एसएम के लिए। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है एंड सबसे पहले हम जो पिछले जो प्रैक्टिस सेट जो हमने किया है उसकी हम प्रॉब्लम पहले डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद में इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए 22वें प्रैक्टिस सेट का क्या है। सबसे पहले तो पहले क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चों ने। देखो दोस्तों, पहले नंबर के क्वेश्चन के अंदर देखो, ध्यान दो, हर इसके अंदर फिगर के अंदर देखना, एक बड़ा ट्रायंगल है, दो छोटे ट्रायंगल है, इन दोनों ब्लैक ट्रायंगल के बीच के अंदर एक बड़ा ट्रायंगल है एंड ये छोटा और ये छोटा, यानी कि तीन ट्रायंगल समझ लो एक तरीके से। यहाँ भी तीन ट्रायंगल है ब्लैक, दो ब्लैक के बीच में यहाँ भी तीन ट्रायंगल है, लेकिन फर्स्ट वाले के अंदर दो ब्लैक के बीच के अंदर खाली एक ही ट्रायंगल है, तो आंसर हो गया ए। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखो, सेकंड क्वेश्चन के अंदर या तो सिंपली आप पेयर बना लो तो सभी आपको साफ यानी अलग ही दिख जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, वर्टेक्स से वर्टेक्स मिल रहा है, ठीक है, एंड यहाँ भी वर्टेक्स से वर्टेक्स मिल रहा है, तो ये दोनों एक जैसे ही इन दोनों का पेयर बना सकते हैं हम। एंड यहाँ पे देखो, वर्टेक्स से साइड पे जा रहा है, वर्टेक्स से साइड पे जा रहा है, तो इन दोनों का पेयर बन गया, सबसे बचा अलग, तो आंसर हो गया हमारे पास बी। ठीक है, देन एक तरीके से ये पूरा हो गया, वो क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5th भी पूछा है, 5th पूछा है ना। क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर तो यार सिंपली आपको दिख रहा है कि देखो ये स्ट्रेट पोर्शन है एंड लास्ट वाले में एक कर्व्ड है, तो आंसर इसमें ई है, सिंपल, इसमें तो कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन जो आपसे गलत हो जाते हैं, एक बार उनको पीछे जाके खुद से एक बार ट्राई किया कीजिए सोल्व करने का ना, तो आप एक उसको फिर से देखेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम, 8th क्वेश्चन पूछा है शायद, हाँ 8th क्वेश्चन में तो सिंपली देखो ये पी है, एक तरीके से ये पी दिख रहा है ये, तो क्या है सब फिगर के अंदर ऐसा ही है। देखो सी के अंदर भी ऐसा ही है, घूम जा भले ही रहा हो, उसको सीधा करूंगा तो पी हो जाएगा, एंड डी में भी ऐसा ही है, ई में भी ऐसा ही है, सबसे अलग जो उल्टा जो पी है ये दे रखा है वो बी में ही है, तो आंसर हो गया 8th का बी। नेक्स्ट पूछा है 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन के अंदर देखो हर किसी में तीन तीन A1 2 3 चार लाइनें हैं, तो इस तरीके से हम इलिमिनेट कर नहीं सकते। फिर इसके अंदर रहता है हमारा कि पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट रहता है इसके अंदर, तो पैरेलल लाइन भी यार कहीं पे आ नहीं रही है। अगर हम देखें या स्ट्रेट लाइन का देख सकते थे कि हर किसी के अंदर एक स्ट्रेट लाइन है, क्या हर किसी में स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है, तो वो नहीं देख सकते। पैरेलल लाइन का देख सकते थे, पैरेलल लाइन का भी हम नहीं देख पाते, तो इसके अंदर सबसे डिफरेंट क्या है। देखो ये वाली जो लाइन है इनको एक्सटेंड करेंगे ना, तो ये एक तरीके से पैरेलल है और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। लेकिन हर किसी ऑप्शन के अंदर देखो इनको आगे अगर आप एक्सटेंड करते हो तो वो काटेगी पक्का, जो बाकी दो लाइनें हैं, देखो इन दोनों को एक्सटेंड कर लें, ठीक है, तो वो एक तरीके से नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन थी, वो कभी कटेंगी नहीं, ठीक है, एंड वो सीधे वाली है, इसको एक्सटेंड कर लें तो ये भी कटेंगी। तो ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन पूछा है, 12th क्वेश्चन में तो यार जीरो काटा आप सभी ने खेला है, एंड जीरो काटा अगर आप बनाते हैं तो किस में बन रहा है, इसी में तो बन रहा है यार, और किसी में तो नहीं बन रहा, ध्यान से देख लेता हूँ मैं एक बार, बी में नहीं बन रहा, एंड माइक में आवाज़ तो आ रही है ना, इसमें भी नहीं बन रहा है, एंड इसमें भी नहीं बन रहा, और इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा कहीं भी, ठीक है, तो हमारे पास एम ही तो बन रहा था, इसलिए आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लिया, देन उसके बाद में 16 भी पूछा है ना। 16 के अंदर देखो सिंपल एक ये वो दिखें अल्फाबेट दिए हुए हैं, एंड ए ऐसा ही है जो मिरर के अंदर देखेंगे या वाटर देख लो, मिरर इमेज देख लो, सभी में वो सेम वैसा ही दिखता है, तो सिंपली आंसर ही है। ठीक है, 17 पूछा था शायद, हाँ तो 17 में क्या था, 17 पूछा है क्या, तो 17 में देखिए, 17 में क्या करेंगे, सेवनटीन क्वेश्चन के अंदर देखो सबसे पहले अंदर बाहर वाली लाइन का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले वो देखें। देखो अंदर एक है, बाहर एक है, ठीक है, यहाँ दो है, यहाँ एक है, तो इन दोनों का डिफरेंस एक आ रहा है। ऐसे अगर देखें तो यहाँ जीरो आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस, अंदर बाहर लाइन का डिफरेंस देख रहा हूँ मैं, सिंपल और कुछ नहीं कर रहा फिलहाल, ठीक है, तो दो में से एक है, तो यहाँ एक आ रहा है एंड यहाँ एक आ रहा है, तो यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट तो अपना फेल हो गया, क्योंकि तीन ऑप्शन के अंदर 1-1 चल रहा है, तो ऐसे हम कर नहीं सकते। देन उसके बाद में अल्टरनेट चल रहा है, देखो बाहर है तो फिर अगली साइड पे अंदर है, जैसे कि अंदर है तो यहाँ बाहर है फिर अंदर है, ठीक है, हर किसी में यही चल रहा है सीक्वेंस, इससे भी हम इलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। देखो बाहर अंदर एंड वहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, अंदर बाहर, तो ये लगभग वही सीक्वेंस चल रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी है नहीं। ठीक,
अंदर बाहर अंदर बाहर, ठीक है, जिसके अंदर भी वही चल रहा है कॉन्सेप्ट, है ना। तो इसमें देखो नंबर ऑफ लाइंस अपन काउंट कर लेते हैं, तीन और दो कितने हो गए यहाँ पे, पाँच। एंड यहाँ देखें तो पाँच और तीन आठ, एंड यहाँ पे देखते हैं तो चार और तीन सात, और यहाँ देखें तो छः और पाँच ग्यारह। एंड यहाँ कितनी लाइन्स है अपने पास, फाइव और फोर नाइन। तो हर किसी में हमारे पास क्या चल रहा है, ओड चल रहा है, देखो बाकी सभी में ओड चल रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि इसके अंदर ही वन है, ठीक है। बाकी आप इसको सोचना अगर आपको कोई लॉजिक लगता है तो, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जिस लॉजिक से सोच रहा हूँ आप डिफरेंट लॉजिक से सोच रहे हो, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। एंड क्या पता और कुछ और किसी लॉजिक से उसका आंसर हो, क्योंकि कल की एक वीडियो के अंदर 23 शायद क्वेश्चन था, पता नहीं कौन से सेट का, 21वें सेट का था शायद, तो उसके अंदर एक दिक्कत थी, मैंने जो लॉजिक लगाया उससे भी आंसर भी आ रहा है, एंड एक बच्चे ने अच्छा लॉजिक बताया, वो इजी लॉजिक था एंड वो एकदम फिट था, ठीक है। तो उनका लॉजिक मैंने इसलिए पिन कर दिया। आप भी अगर कोई बताएंगे इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक, तो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर आपका जो लॉजिक है वो पिन कर दूंगा, ताकि जो बच्चे हैं उसको देख सकें। 18 के अंदर देखो, 18 के अंदर सिंपली अगर हम देखें ध्यान से, तो बस इसके अंदर यही गड़बड़ी थी कि देखो एक ही साइड पे ना बाहर भी है और अंदर भी है, ऐसा किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ई, ठीक है। नेक्स्ट 21 भी पूछा है ना, 21 में तो यार इसको सिंपली हम रोटेट करके देख लेंगे तो आंसर हो जाएगा। देखो सिंपली इसको आप रोटेट करोगे ना तो इस तरह की फिगर तो कभी बनेगी नहीं 21 का, इस वाली अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, हाँ, तो नीचे बड़ा आएगा, नीचे बड़ा वाला पोर्शन आएगा ना कि छोटा वाला आएगा। तो इसलिए आंसर क्या है, 21 का सी। रोटेट करके देखना इसको, आपका आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद में पूछा था 23 सिंपली एक रोटेशन की प्रॉब्लम है, इसमें भी कुछ नहीं है। देखो एग्जाम में इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको रोटेशन से काफ़ी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगर 35 क्वेश्चन है तो 35 में जो मुझे लग रहा है कि 10 से 15 क्वेश्चन तो आपके रोटेशन से हो जाएंगे सिंपली। तो आपको ध्यान रखना है, सभी फिगर अगर बिल्कुल सेम है, जैसे इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, देखो जैसे कि ये क्वेश्चन 22 है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो रोटेशन से हो जाएगा, लेकिन इसमें रोटेशन नहीं लग रहा है, इसमें देखो ये कर्व पोर्शन दे रखा है, लेकिन एक हमने सेट में किया था तो ये रोटेशन से भी था, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर सारी फिगर सेम हो तो हम रोटेशन लगाएंगे। अब देखो 23 के अंदर ना सब कुछ सेम सा दिख रहा है, लेकिन इसको रोटेट करके देखो, देखो ए को मैं अगर मैं थोड़ा भी अगर इस तरह से रोटेट कर देता हूँ ना, तो ये वाली जो चीज़ है वो सेम, यानी वो उस तरफ है, ये राइट की तरफ है और ये लेफ्ट की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो 20 और बाकी ऑप्शनों के अंदर सभी लेफ्ट, ये यानी लेफ्ट की तरफ ही है, तो ए को तो एक बार छोड़ दो, ठीक है। बी को देखो क्या घुमा के हमारे पास सी मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास डी भी मिल रहा है, ई भी मिल रहा है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि यही जो है वो पोर्शन है वो गड़बड़ है, ठीक। एक बार मैं लैपटॉप को लगाता हूँ चार्जिंग पे, वेट। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन था, हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 23 हमने कर लिया, देन उसके बाद में है 27 एंड 35, ठीक है। 27 में देखो यार सभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर चल रहे हैं, कहाँ गए, हाँ 27 में ये सभी हॉरिजॉन्टली हैं एंड ये वर्टिकल है, तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। लेकिन देखो देवन साहब ने कमेंट किया है कि सीरीज वाइज से अगर इसको देखें, एंटी क्लॉक वाइज अगर ये घूमता है, हमारी सीरीज अप्रोच अगर हम लगाते हैं, तो यानी यहाँ से आने में सिंपली ये 90 डिग्री, एंड यहाँ से यहाँ जाने के अंदर फिर से 90 डिग्री, एंड यहाँ से अगर इसको बनना चाहिए था तो ऐसे नीचे की तरफ बनना चाहिए था, वो बना ऐसे, तो आंसर डी। आपकी अप्रोच आपने जो लगाई है एकदम सही लगाई है, ठीक है। लेकिन ये भी एक लॉजिक है कि भाई जो ये सभी, यानी कि इसके आंसर के अकॉर्डिंग तो ये है कि सभी ये सिंपली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थे एंड इसके अंदर सिंपली एक ही खड़ा हुआ है। अगर हम एक सिंपल सा लॉजिक सोचते हैं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, बी, ठीक। बाकी वो भी गड़बड़ नहीं था यार, लॉजिक आपका भी एकदम परफेक्ट है। चलते हैं आगे 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में तो यार जो लाइन्स है, लाइंस काउंट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे लाइन कितनी है, दो है, एंड यहाँ कितनी है, तीन है, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 सारे प्राइम नंबर चल रहे हैं, एंड यहाँ 4 है, तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, ई, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आपने पूछे थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप प्रैक्टिस सेट नंबर करेंगे 23 का, क्या प्रैक्टिस सेट नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। एंड कॉपी पेन उठा लीजिएगा फटाफट से, जो आंसर्स हैं
वो नोट करना जैसे कि आप डेली करते हैं, एंड कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना कि आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम है, स्कोर कितना रहा आज, हम तारीख हो गई 26, दिन बहुत कम बचे हैं यार हमारे पास, ठीक है। तो सिंपली आप इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग जो भी है, जो अपने कॉन्सेप्ट है, सिंपली बस वो रिवाइज करना ना, एग्जाम में सिंपली उतर जाना यार, इसमें कुछ ऐसा रट्टाफिकेशन का तो कुछ है नहीं कि आपको कुछ याद करके जाना है, सिंपली बस प्रैक्टिस करते रहो एंड सीधा एग्जाम में आपको एकदम रिलैक्स होकर बैठना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। एक वीडियो डालेंगे अपन कि एग्जाम में कैसे यानी आपको सोचना चाहिए एंड क्या करना चाहिए, ठीक है। उस पर एक 5-10 मिनट की फटाफट से एक वीडियो बनाएंगे, 28 को बना लेंगे, या तो 30 का एग्ज़ाम है ना तो 28 को बना लेंगे, उसके अंदर मैं डिस्कस कर लूँगा कि भाई कैसे अपने को करना चाहिए एग्ज़ाम में पहुँचने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं।
हाँ जी दोस्तों, तो जो आप आंसर्स हैं वो आप मैच कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आंसर मैच करके कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करें कि आपका स्कोर कितना रहा, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको ले लेंगे। आज 26 हो चुकी है, आपके पास मुश्किल से यार 3 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है 3 दिन में आराम से आप चिल मार रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, वो सब छोड़ दो भाई। जितने 3 दिन बचे हुए हैं इसमें जो भी, यानी आपने जो मैंने आपको बोला था ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन मार्क करके रखिए, उन क्वेश्चनों को रिवीजन करें कि इसके अंदर कौन कौन सी ट्रिक लगी थी, ठीक है। और रिलैक्स करें, रिलैक्स यानी कि आराम से, यानी कि टाइम से सो जाएं, ज़्यादा टेंशन ना लें, एग्ज़ाम हो जाएगा आराम से क्लियर, ठीक है। अपना ख्याल रखें सेहत का, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है, ठीक। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी गिडा। थैंक यू दोस्तों, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आएगी, और भी आएंगी वीडियोस धीरे धीरे, तो उनका लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। बाय बाय।